पे क्या सर्च करना है मेरे को, इंस्टाग्राम पे स्वास्तिक, किसी किसी के स्वास्थ्य में भी देख रहा था अभी, लोग स्पैम कर रहे थे स्वास्तिक स्वास्तिक स्पैम करो IGTV में, कौन सा वीडियो ये वाला देख लो गाइस, गाइस एंड भैंस, अरे अरे देख रहे हो ये दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं यार मेरे को शक्ल से। रुको स्क्रीन बड़ी करने दो, स्क्रीन बड़ी करता हूँ, रुको इतनी ठीक है, इतना रेजोल्यूशन ठीक है, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब रिजोल्यूशन परफेक्ट है, देखते हैं। ये क्या है, हेयर कट करवाया देख लो लॉन्डो ने, ये अभी कुछ दिन पहले, 1-2 वीक पहले ही हेयर कट करवाया है ना, देख लो हेयर कट देख के मालूम चल रहा है इनके, खाया पिया करो बे, इनकी उंगलियां छोटी छोटी हैं तभी ये लोग धूम मचा देते हैं खिल खिल के। वो भाई दिल से एलिट दादा, इतना स्पैम मत कर दादा, और वो इतने हार्ट मत लगा भाई चैट में, और लोगों को भी कमेंट पढ़ना है, तेरा अकेले का कमेंट नहीं पढ़ना है मेरे को। ठीक है भाई, भक्तों मित्रों देवियों सज्जनों, आपसे मेरा एक अनुरोध अनुरोध है, कृपया स्पैम ना करें प्लीज, बहुत जोर से अनुरोध है आपसे, और जितने भी है दिल से एलिट, किडनी से एलिट, फेफड़े से एलिट है भाई, हम भी दिल से एलिट हो जाएंगे, बस आप स्पैम मत करो, आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा मेरे ऊपर, ठीक है, वरना फिर मेंबर ओनली करूंगा, फिर तुम सोचोगे कि यार डीजे लोग तो ले नहीं पा रहा, मेंबरशिप क्या लूंगा, तो वो मत करो यार फिर ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें तुम स्पैम करते हो फिर वो मेरे को ट्रिगर करती हैं, समझ रहे हो, मेरे दिमाग में फिर वो बातें घर कर जाती हैं और मैं थोड़ा सा क्रोधित हो जाता हूँ, समझ रहे हो, रावण बन जाता हूँ फिर, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि मुझे मेंबर ओनली मोड, चलो लो यार मेंबर ओनली मोड, चलो पैसा खर्चा करो और कमेंट करो, आओ देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, आने दो भाई ऑडियंस को, आने दो भाई ऑडियंस को, आने दो, कब तक आ जाएगी ऑडियंस, आ जाएगी ऑडियंस यहाँ पे, खाया पिया करो भाई, दोनों लोंडो को बोलो यार खाना वाना खाए ये लोग, भाई गेम बाद में खिलाना, पहले खाना खिलाओ भाई इनको, तुम बेचारे एकदम सूखे सूखे मुरझाए मुरझाए ऐसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई इनकी थाली लेके भाग गया हो, सही मजाक से हटके भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। व्यू बोर्ड कैसे लगे इस पर ट्यूटोरियल, यार सोच रहा हूँ यार, वो उससे पूछना बाबा से, बाबा बताता है, बाबा करता है सब, वो एक्सपर्ट है इसमें, मैंने पूछा था उससे ही, आओ आओ देखते हैं देखते हैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी भाई प्रोग्राम आगे बढ़ाओ यार, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में बैठे हैं। हाँ ये राधे ठाकुर आ गया, ठीक है ठीक है, आने दो राधे ठाकुर, एकदम डेस्परेट लग रहा है शक्ल से भयंकर, बोले नहीं आज तो बस चक 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 होना ही है, मतलब मेरे तरफ से आज बस बूम बाम हो जाएगा स्ट्रीम पे, आज लाइव पे बस कर देंगे, आज तो बस गेम बजा देंगे लाइव पे आज। ये कौन है ये किलर, किलर दुबला हो गया यार, तो फोटो में तो कुछ ज्यादा मोटा दिखाते हैं किलर को भाई, तो रियल में दुबला पतला दिख रहा है। यस यस यस, मैं सो रहा था भाई, ये किलर की आवाज कभी कभी लेजेंड की आवाज से क्योंकि लगती भाई है। मैं कल भाई मैंने पार्टी वार्टी करी भाई। अरे बाप रे, किलर पार्टी कर रहा है भाई, देख चलो रहे ये हो, छोड़ो, कोई मेन बात करते हैं। मेन बात सुनते हैं भाई, देखो चलो। आज से कुछ हाँ मैंने अरे पहले यार बहुत जैसे बहुत ये बहुत स्लो स्लो जनवरी बोलेंगे यार ये, बहुत बहुत मतलब मेरे को तो रैप डॉग रैप गॉड बन के सुनने में मजा आता है, रुको। हाँ अब में, हाँ जनवरी में आज से 10 month पहले टाइटन कप हुआ था, ठीक है जो हम जीते थे फर्स्ट आई थी उसमें, उसका ठीक प्राइज है, पूल मिला था हमें 10 lakh, और 10 लाख रुपए। उसके हाँ बाद कुछ क्वार्टर का हाँ हुआ था, पूरे क्वालकॉम मिलके का 30 lakh हुआ, थे, वो हमारे कैप्टन तब 150 उसके अकाउंट में आने वाले थे, ठीक मतलब है, उसके अकाउंट में आए हैं, मतलब कितना कितना, रुको सुनने जब दो। हम हाँ जीते थे फर्स्ट आए थे उसमें, उसका हाँ प्राइज पूल मिला था हमें 10 lakh, और 10 लाख रुपए, उसके ठीक बाद कुछ क्वार्टर है, का हुआ था, पूरे मिलके वेलकम, 30 lakh थे, वो हमारे 30 लाख, कैप्टन चलो तब ठीक है, 150 उसके अकाउंट में आने वाले थे, मतलब उसके अकाउंट में आए लिख हैं, जब लो हम लिख लो उसको लॉन्डो, मांगने ठीक के है, एक काम करो कॉपी पेन लो और उसमें लिख लो कि 150 के अकाउंट पे 30 लाख आए थे, क्या पता भैंसो कल को नेटफ्लिक्स में एक सीरीज बन जाए इस पे। हाँ भाई भरोसा नहीं नेटफ्लिक्स वालों का, नेटफ्लिक्स वाले ढूंढते रहते हैं कहानियां, और अगर उस पर नहीं आए तो LT वाला जी वो तो आ भी सकती है, भरोसा नहीं है, देखो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ठीक है, हाँ बुरा मत मानना, लिख लो, पर लिख लो स्टोरी को पूरा लिख लो अच्छे से, फिर बोलना तो बताया नहीं था अपना, बोला कहीं कहीं सही भी हो जाता है यार, क्या पता उस पर कहीं डॉक्यूमेंट्री बनने वाली हो, बन रही है आजकल भाई छोटी छोटी बातों पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, चलो अकाउंट उसने नहीं दिया, अपने अकाउंट उसने अपने भाई का अकाउंट दिया, ठीक है भाई का अकाउंट दे दिया था ठीक उसने, है, अपने मतलब भाई वो का दिया। हमें 6 month से बता रहा हाँ है कि हाँ बैंक फ्रीज है, वो अभी अच्छा, नहीं निकाल सकता टैक्स, बैंक फ्रीज है भाई, बैंक के 30 लाख में बैंक फ्रीज हो गया क्या, 30 लाख में बैंक फ्रीज हो जाता है भाई, ये कौन सा बैंक है भाई, मेरे को मिलना है भाई इस बैंक वाले से, 30 लाख में तुमने बैंक फ्रीज कर दिया भाई, बैंक तुमको टेररिस्ट के बैंक अकाउंट से पैसे आ रहे थे क्या, जो बैंक फ्रीज कर दिया भाई, देखो इतना तो अपने को ही पता है यार, इतने अपन अपन मोटा ट्रांजेक्शन करते हैं, अपन यूट्यूबर जो ठहरे अपने को पता है ना चीजें कितना क्या होता है दुनियादारी, बैंक ऐसे फ्रीज नहीं कर देता है, बैंक तब फ्रीज करता है जब कुछ आप झोल करो, समझ रहे हो, गलत जगह से आप पैसा लो दो तब बैंक सीन करता है, समझ रहे हो, आगे रिसिप्ट चाहिए ये वो,
हाँ अटका के रखा इतने दिनों तक ऐसे अटका उसमें। के रखा, ठीक है। फिर जब टैक्स रिसिप्ट आई तब हाँ बोला हाँ उसको कि अब पैसे निकाल वाले, तब टैक्स, उसने रुको मतलब मैं देखता हूँ कितना तब टैक्स कैसे बना जान होगा सकते। इसका, टैक्स कितना बना होगा। टैक्स तो सीए रख लिया होगा, अन्ना वहीं से कटवा लिया होगा पूरा, मतलब यहाँ दिखा रहे हैं, दिखा दिया होगा बोले इतना खर्चा किया, यहाँ किया वहाँ किया। साथ में ही हाँ तब हाँ जब टैक्स रिसिप्ट आई तो वो हमसे बात नहीं करता था ज्यादा, ठीक अकेला है अकेला रहता था। फिर ठीक है। जब बोला उसको पैसे निकालने के लिए तो बोलता था कि भाई को टैक्स रिसिप्ट भेज दिए, हाँ पैसे आगे की प्रोसेसिंग बताएगा मैनेजर। फिर जब अच्छा हमने चेक किया बैंक अकाउंट का, बैंक में हाँ जाके, तब हाँ बोला कि अकाउंट तो कभी फ्रीज हुआ ही नहीं था। ओ लो और हाँ इतनी सी वो जो प्राइस नहीं था, वो बैंक वाले बोल रहे थे कि इतने पैसों से बैंक कभी फ्रीज नहीं होता, बैंक अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होता। बैंक अकाउंट मैं बता रहा हूँ। अरे भैया दिल सा भैया, पूरी नागमणि यहीं चूस लो हो क्या, इतना स्पैम मत करो दादा, दूसरों को भी कमेंट करने का मौका दो प्रभु। सर जी मेरा नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में सही सही लेके दिखाओ तो माने, शॉर्ट आउट देने के लिए धन निंजा टेक्निक। अच्छा ये भी ठीक है, तुम्हारा नाम में से अच्छा है। हाँ तो हाँ जब हमने उसकी ज्यादा मतलब हाँ उसको हाँ साथ में ना रखने, साथ ठीक में नहीं है रखना था फिर हमको 150 को, हाँ तो हाँ जब निकालने की कोशिश की तब उसने करेना को मेल डाल ठीक दिया है फॉरन को टर्मिनेट डिस्क्वालीफाई करने के ठीक लिए, है। ये देखो ये इसका है। पर फौरन एक रूल बताता हूँ, सुनो रूल बुक क्या बोलती है। रूल बुक बोलती है कि मेजोरिटी मेजोरिटी मान के चलो कोई टीम है, ठीक है, उसका एक लीडर है, कैप्टन है, कैप्टन है, ठीक है, और बाकी बंदे उसके वो हैं, प्लेयर्स हैं, तो मेजोरिटी जिस साइड होगी, मान के चलो मेजोरिटी गु खाने गई है, ठीक है, तो वो गु खाने वालों को ही मिलेगा वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं अपना स्लॉट। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है, भले मेजोरिटी कहीं भी जाए, मेजोरिटी के ऊपर होता है। पांच बंदों की एक टीम है, छह बंदे की टीम है, अगर तीन बंदे बोल रहे हैं कि हमको बावसी हो गया हम खेलेंगे नहीं, तो बचे हुए तीन बंदों को स्लॉट मिलेगा, ठीक है। अगर पर वो अगर वो तीन में से कोई एक बंदा जो कैप्टन है वो आके बोलता है कि भाई इन पांचों का स्लॉट हटाओ और मेरे को स्लॉट दे दो, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी देखी जाती है कि चार में से मतलब जो पांच प्लेयर है उन पांच में से चार किस साइड है, तीन किस साइड है, फिर दो किस साइड है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे तो स्लॉट इन्हीं के पास रहेगा, राय ठाकुर इन लोगों के पास रहेगा, इनका कैप्टन कौन है अभी मेरे को पता नहीं है, ठीक है। ये भी हाँ मतलब उसने ठीक डिस्क्वालीफाई का नहीं कर है दिया था उसने हाँ हाँ ये ठीक है। पंद्रह पंद्रह इसका अच्छा, को इसका नाम क्या है, जुबेर त्यागी नाम है क्या इसका, जुबेर त्यागी, अच्छा त्यागी। हाँ हाँ जुबेर त्यागी मतलब उसने नेपचून, लाल रखा था। अच्छा जुबेर त्यागी तो, अरे नहीं यार जुबेर त्यागी गरीना का बंदा थोड़ी ना है, जुबेर त्यागी कौन है गरीना में ना, जहां तक मेरे नॉलेज में अभी तक तो मेरे सुना नहीं कोई जुबेर त्यागी करके, होगा कोई नया आया होगा, आगे फिर देखते हैं। टीम को डिस्क्वालीफाई कर दो, हमें मतलब नहीं जब उसको खेलना। हाँ निकाल रहे हाँ थे तो तभी इसने टर्मिनेशन ऐसे नहीं हुआ था, टर्मिनेशन आप कुछ ऐसा करो रूल ब्रेक करो तब होता टर्मिनेशन, हलवा आए के टर्मिनेशन हो जाएगा। डाल दिया हाँ गेम। हाँ फिर पर फिर उसके इसमें कोई तो गरेना ने उसको कुछ मतलब उसकी सुनी नहीं, उसको ठीक अकेले है खेल लिए क्योंकि हम पांच बंदे थे, मेजोरिटी में हम हाँ पांच बंदे मेजोरिटी, खेल रहे ठीक है थे। फिर और जब उसको पैसे मांगने के लिए कॉल किया तो तब बोला जो टीम में रहेगा उसी को पैसे मिलेंगे, मुझे आगे अच्छा कैप्टनसी में कंटिन्यू करो और तभी अच्छा पैसे मिलेंगे, नहीं तो तुमको वो नहीं मिलेंगे, मतलब गाली देने लगा। ऐसा वीडियो तो होता है देखी क्या। होगी अरे जितनी पर सुनी अभी। ऐसा होता है ना, रुको रूल क्या, एक और बताता हूँ मैं क्या होता है कि मान के चलो गरीना एक एंटिटी है, वो जब किसी को पे करती है पैसा, एक सम ऑफ अमाउंट कुछ भी होता है जो अमाउंट वो उसको पे करती है, ठीक है, तो वहां पर एक तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, जब तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे तो वहां पर कुछ लिखा होता है, जाके पढ़ना कि अगर कैप्टन यहाँ पर अपनी टीम को पैसा देने से मना करता है तो यहाँ पर गरीना भी इंटरफेयर कर सकती है, इवन ठोक सकती है, तुम्हारी मार सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, इवन वो छोड़ो इनको जो मैनेज कर रहा है वो भी तुम्हारी ले सकता है, बहुत सारे ऐसे तरीका होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें आप फंस सकते हो, तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, मैं बता देता हूँ पहली चीज़। जो मैंने स्टोरी में डाली थी फिर हाँ हाँ से दिखा दे, फिर से दिखा दे, लगाओ दे। और अब हाँ खुद स्टोरी डाल रहा है कि 5 करोड़ का स्लॉट ही कर लिया। अब जब पांच वो करोड़ पैसे का से बाहर स्लॉट, हुए थे तब क्वालिफाई नहीं करने नहीं जाना था नहीं ना। स्लॉट कैसा भाई यार, ये बात गलत, देखो मैं बताता हूँ, स्लॉट स्लॉट होता है टीम के नाम पे, एक पर्टिकुलर प्लेयर के नाम पे कभी भी स्लॉट नहीं होता है। अगर कोई स्लॉट मान के चलो कोई भी एक टूर्नामेंट चल रहा है तो उसमें स्लॉट मिलेगा, मेरी टीम मान के चलो डायनादर डे, एक टीम है डायनादर नाम की, तो स्लॉट मिलेगा डायनादर डे को, ना कि सिर्फ स्काई लॉर्ड को, पूरी टीम का रहता है वो स्लॉट, ठीक है, स्लॉट बटता है, आपको पता नहीं है शायद स्कीम, तो मैं बता दूं स्लॉट ऐसे वर्क नहीं करता है, ठीक है, या फिर वो स्लॉट किसी ऑर्ग के पास रहता है, जब वो स्लॉट किसी पर्टिकुलर ऑर्ग के पास रहता है कंपनी के पास, तो वो कंपनी चाहे तो किसी भी प्लेयर को दे सकती है, किसी भी टीम को दे सकती है, बट एक प्लेयर नहीं कर सकता ऐसा, ये जहां तक मैं जानता हूं इतना मेरे को पता है कि एक अकेले बंदे का स्लॉट कभी नहीं होता, मेजोरिटी का स्लॉट होता है, जिसका मेजोरिटी रहेगी उसका स्लॉट है, मेजोरिटी नहीं है तो बस खत्म, टाटा बाय बाय, दूर से देखो ताली बजाओ के हाँ अच्छा हुआ ऐसा। जब आ जाओ क्वालिफाई करके जाना था तब तो खिलाया नहीं उसको, हमने ठीक है खुद क्वालिफाई होके गए थे हम लोग। ठीक मैं, है जाडो, स्वस्तिक, हाँ कुणाल, हाँ हम चारों ने क्वालिफाई किया था प्रो लीग में, तो ठीक है उसको खिलाया नहीं। और बोल रहा 5 करोड़ के स्लॉट, हाँ हाँ वैल्यू खुद क्यों लगा रहा खुद है? खुद स्लॉट, उगरेना का है स्लॉट, खुद वैल्यू को लगा रहा है। पहली बात एक और चीज बताता हूँ,
जब आप किसी स्लॉट की या फिर किसी पोजीशन की किसी भी गरीना का कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट है, कोई भी टूर्नामेंट हो, अगर आप उससे उसकी उसको आप सेल करते हो या फिर उसका एक अमाउंट फिक्स करते हो, उसको आप पब्लिक करते हो, ये भी गलत है। जाके पढ़ो, देखो, थोड़ा समझो, जानो, ये भी गलत है। आप उसका अमाउंट भी लगा सकते भाई, टिल डेथ बैन करेंगे तुमको वो लोग, जीवन भर के लिए। अगर तुम ऐसे स्लॉट का रेट लगा रहे हो कि भाई 5 लाख का स्लॉट मेरा लेगा ये गए, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि ये फिर बात हो जाती है स्लॉट खरीदने बेचने की कहीं ना कहीं, तो फिर ये दिक्कत देती है। केस कर दिया है आगे क्या है? कि आवाज ठीक है, दिमाग का बोझ ना मिला। हाँ हाँ देखो, जो मतलब जो ठीक से खेलेगा भाई, थे जो टीम मतलब रहेगा टीम हाँ में, उसको मैं मतलब मैं मेरी आवाज दे रहा हूँ, मेरी हाँ मैं पैसे उसको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी ESPL का आएंगे, ESPL को तुम्हें जल्दी दूंगा, क्योंकि नीड है पैसे, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, तो जो खेलेगा ध्यान से, जो भाई की तरह रहेगा खेलेगा, जैसे पहले था, उसको ठीक पैसे है, मिलेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं हो, जो काम रहेगा उसको गांड पे, उसके गांड पे लात पे लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये उसके लिए एक आदि जो मतलब उठाएगा ठीक तुम्हारे है, लिए भाई वाला वर्ड। ठीक है, तो तुम भाई की तरह कह दो, तुम्हें मतलब ऐसे वैसे नहीं रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात है। को और हमारी टीम है, कोई स्पोर्ट में नहीं खेला जो खुद अरे यार ये खुद वो गाली कैसे गलौज है। लगा हाँ सकता है स्लॉट की, जब कह हाँ रहे ना हाँ मैच्योरिटी में जाता है वो स्लॉट टीम ठीक है। को, और हमारी टीम है, कोई स्पोर्ट में नहीं खेला जो खुद को हाँ ऑनर ऑनर बता रहा है टीम का। हाँ हाँ, ठीक ऑनर है। है तो अरे डॉक्यूमेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट मैं लिखा, लिखा और जो बोल रहे हैं ना सबको पैसे देने हैं, ऑनर मैंने कहा और फ्राइनेंशियल के दिखा ऊपर दे, होता है, ऑनर उसके और अंदर के ऊपर प्रूफ है, जहाँ पे प्रूफ है रजिस्टर होती है। तो ही दे दे, जो है प्रूफ दे दे, हाँ बैंक स्टेटमेंट वो सब दिखाई हाँ नहीं रहा, वो तो उसको कब का वही तो, बोल वो रखा वो दिखाई नहीं तो, रहा, कुछ ना बता रहा, हाँ ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई कुछ, तो क्या दिखाएगा वो। और प्रो लीग के जी भी जो अभी जस्ट मतलब अभी थोड़े दिन पहले पैसे आए हैं, उसमें से सबको हाँ सिर्फ आधे आधे ही दिए हैं, मतलब आधे दे के फिर बोला अब मैं नहीं दूंगा, ठीक है आधे पैसे बाकी है देने उसके, और यार, ये जब तो उस कॉल गलत है यार। मैं तो बोलता हूँ यार, देखो मैं बताऊँ ऐसी चीजें क्यों होती हैं अपनी कम्युनिटी में, ऐसी बचकानी हरकतें क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ का बेस, चाहे आप प्लेयर का बेस कह लो या ऑडियंस का बेस कह लो, दोनों का बेस बच्चों वाला है। ठीक है, माइंडसेट बच्चा है, ठीक है, परवरिश बच्चों वाली है, ठीक है, सब कुछ वैसी है, तो इसमें बहुत इम्बेलेंस क्रिएट होता है कम्युनिटी में इसी कारण से, और ये उसका एक बहुत बड़ा सैंपल है। ऐसी हरकतें भाई मैं क्या बोलूँ यार।